हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते, क्या हालचाल चल रहे हैं? दिस इज योर अथर्व भैया, और उम्मीद करता हूँ कि इस फेस्टिव सीजन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। कहाँ भैया, दुखतीनस पे हाथ रख रहे हो, एग्जाम चल रही है, कहाँ से फेस्टिव सीजन को एंजॉय कर लेंगे? तो मैं जानता हूँ यार, और इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं होती कि आप एग्जाम, मतलब आप फेस्टिव सीजन में एग्जाम दे रहे हो। पर खैर कोई बात नहीं, मतलब ट्राई टू बैलेंस इट, मतलब ऐसा मत किया करो कि एग्जाम्स के चक्कर में पूरे ही फेस्टिवल्स को इग्नोर कर दिया, या फिर फेस्टिवल्स है तो उस कारण आपने पूरी ही एग्जाम्स को इग्नोर कर दिया, ठीक है, बैलेंस करके चलो। पर खैर आज का ये वीडियो उस टॉपिक पर नहीं है। आज आपका हुक्म जो है वो सराखों पर है। इसका मतलब क्या भैया, और आपने ये वीडियो अपलोड क्यों किया, इस वीडियो को अपलोड करने का रीजन क्या है, कारण क्या है? और ये एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज है ना, मतलब इस बारे में हम लोगों ने कभी बात भी नहीं की। तो मैंने यार, मतलब ये टॉपिक पर वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि मैंने तुम लोगों की प्रॉब्लम्स और तुम लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको बहुत ही डीपली स्टडी किया, और उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले यार, मैंने पिछले एक से डेढ़ साल में यूट्यूब पर एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड नोटिस किया है। वो ये है, और आई थिंक सो कि आप भी इस बात से अग्री करोगे कि बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है उस चीज को छोड़ के लोग वही दे रहे हैं जो वो देना चाहते हैं। मतलब अगर तुम मेरे पास में बिस्किट का पैकेट मांगने आते हो, तो अगर मैं तुमको ये पेन पकड़ा दूं और मैं तुमको बोलूं नहीं तुझे बिस्किट की जरूरत नहीं है, तुझे पेन की जरूरत है, और होता भी है कि हम बहुत बार मान भी लेते हैं कि नहीं यार, शायद बिस्किट की नहीं पेन की जरूरत होगी। तो ये चीज मैंने पिछले एक से डेढ़ साल में बहुत ज्यादा नोटिस किया यूट्यूब पर कि यार चाहिए ये पर दिया ये जा रहा है। मतलब बच्चों की जो बेसिक कोर रिक्वायरमेंट है उस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा भाई। एक बच्चे को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो जो चाहता है, उसकी जो नीड है, जिस होप के साथ वो आपकी तरफ देख रहा है कि यार शायद मुझे यहां से मिल जाएगी, वो तो मेरी नहीं रही, तो जो चीज बच्चे को चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं वही बदलने के लिए आया हूं। देखो यार, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम की बूम के साथ साथ हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो होते हुए देखा। एक एंटरप्रेन्योर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग, हमारे देश में इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन एक होता है जनतापर्नोर। जनतापर्नोर जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इट हैज कम आउट ऑफ प्योर इमोशन। एक जनतापर्नोर वो इंसान होता है, देखो एक एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, लेकिन एक जनतापर्नोर जनता को अपना मान के उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। ये है बेसिक डिफरेंस, और मैं अपने आप को जनतापर्नोर मानता हूं। अगर रात को 1, 2, 3, 3.5, 4 बजे तक मैं हंस के काम कर रहा हूं, तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी जनता की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। ये जो मेरी ऑडियंस है, जो ये बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं एक जनतापर्नोर हूं, मैं उनकी प्रॉब्लम समझता हूं, उनका सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं। और आज एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं जानता हूं यार कि तुम जो भी चीजें मांगते हो इंटरनेट पर कि ये चाहिए, वो तुमको नहीं मिल पाती है, और इतने बड़े वास्ट इंटरनेट के ओशन में तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट, तुम्हारी सारी नीड्स, दे गो अनहर्ड। लोग सुन नहीं पाते, लोग समझ नहीं पाते, बस वही प्रेजेंट किया जाता है जो कि प्रेजेंट वो करना चाहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू मैं इस चीज को बदलना चाहता हूं। आज इस वीडियो में मेरी जान, आपका हुक्म जो है वो सराखों पर है। इस वीडियो के नीचे तुम चाहे 5,000 कमेंट्स करो, 7,000 कमेंट्स करो, 10,000 कमेंट्स करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि भैया हमको ये चाहिए, हमको ये पीडीएफ चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए, हमको चाहिए कि हमको मैथ्स का ये पर्टिकुलर ये मिल जाए, हमको चाहिए कि हमको इंग्लिश का ये पर्टिकुलर ये मिल जाए, हमको चाहिए कि साइंस का कुछ ऐसा मिल जाए, सोशल का कुछ ऐसा मिल जाए, हमें हिंदी का कुछ ऐसा मिल जाए, मतलब तुम जो चाहते हो ना, जो भी तुम्हारी डिमांड है, जो भी तुम्हारी मांग है, तुम मतलब देखो, ऑफकोर्स मैं सारी की सारी डिमांड्स पढ़ने का बिल्कुल ट्राई करूंगा और सभी को पूरा करने का भी ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी कोई बहुत बड़ी जाइंट नहीं है, लेकिन जितनी भी फोर्स है उन सबकी जो इंटेंशंस है वो बहुत कड़क और बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यार तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पर लाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। हर प्रॉब्लम भाई, तुमको कोई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लाऊंगा, तुमको ये चाहिए, मतलब ट्राई करूंगा कि बिल्कुल फ्री या फिर बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर तुमको हर वो चीज मैं दे पाऊं जो कि तुम चाहते हो, ना कि जो मैं देना चाहता हूं। और इसीलिए मैंने तुमको हर वीडियो में ये बोलना चालू कर दिया आपसे कि भाई तुमको जो चाहिए ना मुझे बताओ, ठीक है, जिस चीज की तुमको रिक्वायरमेंट है मैं वही डालूंगा। तुमने लेक्चर्स का बोला था, वो लेक्चर्स आना चालू हो गए थे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं यार कि बच्चे निराश होके या फिर दुखी होके, क्योंकि देखो जब आपको जो चीज चाहिए होती वो नहीं मिलती ना, तो बहुत दुख होता है ना, बहुत बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है कि यार ये शायद जगह मेरे लिए बनी नहीं है, राइट। पर मैं नहीं होने देना चाहता हूं। अगर हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, देखो एजुकेशन में रिवोल्यूशन तो आ चुका है, वो तो भूल जाओ, वो तो हो चुका है,
लेकिन यार ये बहुत ही डिफरेंट चीज है। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जो भी डिमांड है भाई, हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, हर एक बच्चा, नो मैटर व्हाट योर डिमांड इज, कि भैया हमको ये पीडीएफ चाहिए, हमको इस चैप्टर के लिए ये चाहिए, उस चैप्टर के लिए वो चाहिए, मैं ट्राई करूंगा कि हर एक कमेंट पढ़ के हर एक चीज पर काम करना चालू कर दूं। मैं तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना चाहता हूं, ठीक है? फिर उसके लिए चाहे थोड़ा समय लग जाए, चाहे वो बहुत बहुत ही मिनिमल, बहुत 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 मिनिमल कॉस्ट पर हो, पर मैं हर वो चीज का सोल्यूशन लाना चाहता हूं जिसकी तुमको रिक्वायरमेंट है। ऐसा होना चाहिए कि भाई घर पर आने के बाद में अगर तुमको कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट है, तुमको किधर भी ना भटकना पड़े, तुमको सारी चीजें यहां पर मिल जाए। हर वो चीज जिसकी तुमको रिक्वायरमेंट है, तुम ऐसा नहीं कि खत्म होंगी रिक्वायरमेंट्स तो आते जाएंगे, तुमको जब भी लगे तुम मुझे बताओ, क्योंकि आपका हुक्म सलाखों पर यार, आपको जो, क्योंकि तुम सोचो ना कि मैं यहां पर बैठ के जो मुझे डिलीवर करना है वो नहीं करना चाहता, ठीक है? वो मुझे करना ही नहीं है, वो बाकी क्रिएटर्स का काम है, वो करेंगे। मैं चाहता हूं यहां पर कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, और मैंने हमेशा यही ट्राई किया है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, और आज भी मैं तुमसे यही बोल रहा हूं कि जो भी प्रॉब्लम है ना, बताओ, खुल के बताओ, ठीक है? नीचे कमेंट करके बताओ भाई, भर दो कमेंट सेक्शन, ठीक है? भले इस वीडियो पे व्यूज कम हो, कमेंट ज्यादा हो, भर दो कमेंट सेक्शन, पर जरूर अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। अगर जो भी तुमको चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे बताओ, मैं सारी चीजें लाने का ट्राई करूंगा। यहां बताओ, इंस्टाग्राम पर बताओ, पर आपका हुक्म आज सराखों पर है। मैं आज तुमको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होने देना चाहता हूं कि तुम्हें जो रिक्वायर्ड होता है वो तुम्हें मिलता नहीं है। मैं आज तुम्हें ये फील करवाना चाहता हूं कि तुम्हें जो रिक्वायर्ड है वो तुम्हें मिलेगा। टाइम लग सकता है पर मिलेगा जरूर, ठीक है? इसी अच्छे इंटेंशन के साथ में आज तुम्हारा भैया इस वीडियो को एंड करना चाहता है। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो के तौर पे हो गया, कंटेंट के तौर पे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे कमेंट करो, बस बताओ मेरे को, ठीक है? तुम जो चाहते हो वो लाने का मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा। दिस इज योर अथर भैया, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि आई एम अ जनता प्रणाली।